जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, होता क्या है कि जब हम पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। और उसमें जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है वो ये रहती है कि जब हम एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मैथ्स पे फोकस करते हैं। इतना ज़्यादा मैथ्स पे फोकस करते हैं कि गैट के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते ही नहीं हैं, गैट को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और गैट के सब्जेक्ट को हम पढ़ ही नहीं पाते, जो हमारी सबसे कॉमन मिस्टेक है। तो चलिए बात करते हैं कि बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं और कैसे हमको वो सही करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली मिस्टेक हमारी ये रहती है, जिस समय हम एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मैथ्स। तो बच्चों, आपको खुद मालूम है आप लोग क्या करते हो, पूरे 2400 घंटे मैथ्स ही करते रहते हो। अब होता क्या है, मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ तो आपका क्लियर हो जाता है, बट गैट में आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन पाते। और आपको ये चीज़ भी अच्छे से मालूम है कि जो आपका मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो गैट ही है। आप मैथ्स में क्या करोगे, मैथ्स में आप सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करो, मतलब आपकी उतनी प्रिपरेशन हो कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, और आपको जो मेन स्कोर करने हैं मार्क्स वो कहाँ से करने हैं, गैट से करने हैं। तो आपको गैट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेके चलना है और आपको गैट को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। मैथ्स तो करो लेकिन गैट को भी साथ में पढ़ते चलो। अगर आप मैथ्स ही करते रहोगे, गैट नहीं करोगे, तो और सोचोगे कि भाई एग्ज़ाम के एक महीना पहले हम रट लेंगे या एक महीने पहले हम कर लेंगे, तो बच्चों ऐसे नहीं होता है। एक महीने पहले आप तैयारी करके कुछ भी नहीं कर सकते, बिलीव मी। दूसरी हमारी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अंडर एस्टिमेट सम सब्जेक्ट। आप लोग क्या करते हो बच्चों कि कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करते हो। जैसे कि मैं आप लोगों से कहती भी हूँ कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, पूरी अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये, तो इसमें आप बिल्कुल सर्टेन हो ही नहीं कि कहाँ से आएगा। तो हम करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक साइंस के सब्जेक्ट है, तो साइंस के सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो पढ़ लेते हैं। मैथ्स वाले बच्चे जो होते हैं उनको बायो थोड़ा टफ लगता है तो वो बायो छोड़ के चले जाते हैं, बायो को स्किप कर लेते हैं। और आप खुद देख रहे हो कि इस बार जो है बायो के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, वेटेज बढ़ रहा है। अब क्या पता कल को ऐसा हो जाए कि जो पेपर बने उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम हों और बायो के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। अब जैसे वो जीएस के सब्जेक्ट, तो बच्चे क्या करते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ के जाते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक को स्किप कर देते हैं। हिस्ट्री को इसलिए स्किप कर देते हैं कि वो सोचते हैं भाई बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारी डेट्स याद रखनी है। और पॉलिटिक को इसलिए स्किप कर रहे हो क्योंकि आपको बेसिकली ये बैठ गया आपके दिमाग में कि पॉलिटिक के क्वेश्चन आ नहीं रहे। बट यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब बेसिकली यूपीएससी पॉलिटी का लेवल बढ़ा दे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो कब बहुत ज़्यादा आ जाएं, आप कुछ भी सर्टेन नहीं हो। इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, मल्टीपल टाइम सारे सब्जेक्ट्स को रिविज़न करो और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मत रहो, पूरे डिपेंडेंट मत रहो कि भाई इस सब्जेक्ट में हम कर लेंगे हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और थर्ड जो हमारी मिस्टेक रहती है वो रहती है लैक ऑफ रिविजन, नॉट मेकिंग गैट एज प्रायोरिटी, या फिर इनकंसिस्टेंसी जिसे हम बोल रहे हैं। ये लोग आपको खुद मालूम है कि आप बोलते हो कि आगे का पढ़ रहे हैं पीछे का भूल जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आप उस चीज़ को बार बार रिविज़न नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ का अगर मल्टीपल रिविज़न करोगे, बार बार उस चीज़ का रिविज़न करोगे, तो आप नहीं भूलोगे। आपको रिविज़न का रूल बताऊं तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को आज पढ़ते हैं, आपको क्लास में अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, आप कहीं से भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको सबसे पहले आप आज अगर पढ़ रहे हैं तो उसको तीसरे दिन में रिवाइज करिए, थर्ड डे में उसका रिविज़न होना ज़रूरी है। उसके बाद आप उसको सेवन्थ डे में अगेन रिवाइज करिए, उसके बाद फिर आप उसको 7 के मल्टीपल में रिवाइज करिए, जैसे 14 डेज में के अंदर, विद इन 14 डेज, फिर विद इन 28 डेज। तो आप देखेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा और आपके दिमाग में ना छप जाएगा, और जब पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मल्टीपल रिविज़न हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल्टीपल रिविज़न करिए तो आप देखिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करिए, ठीक है। देखो, एक बार अगर आपने पढ़ लिया, रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पहली बार में हमेशा टाइम लगता है, दूसरी बार ईजी होता है, तीसरी बार और ईजी होता है, चौथी बार में तो बस आप खाली खुद बोल रहे होते हो हाँ ये हुआ था ऐसा हुआ था, बट आप खुद ही फैक्ट को आप गिना रहे होते हो, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि टाइम मैनेजमेंट, ये तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम को मैनेज करना। देखो बच्चों, आप लोग करते क्या हो, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो आपका गैट हो,
आप एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा देते हो, अगर आपने वो क्वेश्चन किया हुआ है, आपको वो क्वेश्चन आता है और आपसे वहाँ पे नहीं बन रहा है, तो आप उसी क्वेश्चन पे लगे रहते हो, उसी क्वेश्चन पे लगे रहते हो। उससे आपका क्या होता है, जो टाइम है वो आपको टाइम तो निकल रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको स्किप कर देते हो इस चक्कर में। तो इसीलिए अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। अगर आगे भी नहीं बन रहा तो उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। तो धीमे धीमे, और जब आपका पूरा वो क्वेश्चन आपके पूरे एक बार हो जाए, उसके बाद वापस उन क्वेश्चंस में आओ और दोबारा उनको करने का ट्राई करो। एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करके चलना है। तो आपको आई होप ये बातें समझ आई होंगी, और आपको अब ये चीज़ समझ आई होगी कि केवल मैथ्स को ही हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको गैट को भी फोकस करना है। गैट के सारे सब्जेक्ट्स को हमको फोकस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट का हमें मल्टीपल रिविज़न करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने टाइम को मैनेज करना है, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या चाहे वो घर में हो, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करके चलिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।